औरंगाबाद में दो गुटों में हुई हिंसक झड़प और आगजनी के मामले में दो एसआईटी टीमों का गठन किया गया है। डीसी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि दोनों ही टीमें पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच करेंगी, साथ ही मामले के दोषियों को 7 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी बनाई गई है, दोनों संप्रदाय के जो पद्रवी तत्व जो वांटेड है उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए, और ये निर्देश दिया गया है 1 सप्ताह के अंदर जितने उपद्रवी तत्व हैं, चाहे किसी जाति किसी संप्रदाय के, सबको खींच कर किसी भी हालत में और जेल के अंदर बंद करना है। और यह भी SPDM को बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, एक भी निर्दोष आदमी न गिरफ्तार हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, गलती से चला गया हो तो उसका भी सही अनुसंधान करके उसको निकाला जाए। इसके साथ ही गिरफ्तार हुए निर्दोष लोगों के मामलों की भी जाँच की जा रही है, उन्हें बाहर निकालने का दायित्व भी इन टीमों को दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए औरंगाबाद से प्रियदर्शी की रिपोर्ट।